हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अभी एडिटर। गाइस, जो आपने स्टार्टिंग में वीडियो देखा, आज हम उस वीडियो का ट्यूटोरियल तैयार करेंगे। ट्यूटोरियल तैयार करने के लिए आपको जो भी मटेरियल की जरूरत पड़ेगी वो लिंक इन डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। सो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को दे सब्सक्राइब। ओके गाइस, बिना किसी देरी के चलते हैं वीडियो की तरफ। सो गाइस, ओपन कर लेना अपना काइन मास्टर ऐप, प्लस के आइकन में क्लिक करके 1:1 रेशियो सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद गाइस मीडिया का ऑप्शन में क्लिक करना है और आपको यहाँ पे एक पीएनजी सेलेक्ट कर लेनी है। पीएनजी सेलेक्ट करने के बाद गाइस आपको स्टार्टिंग में आना है और इसकी लेयर आपको 30 सेकंड तक बढ़ा देनी है, इतना। इससे यहाँ से ओके कर देना है। ओके कर देने के बाद गाइस आपको स्टार्टिंग में आना है और लेयर के ऑप्शन में क्लिक करके मीडिया के ऑप्शन में क्लिक करना है और डाउनलोड में जाके आपको यहाँ पे ग्रीन स्क्रीन वीडियो सेलेक्ट कर लेनी है। मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। सेलेक्ट करने के बाद गाइस आपको ये करना है, यहाँ पर आपको एक फुल स्क्रीन का ऑप्शन मिलेगा, उसमें क्लिक करना है और उसको फुल स्क्रीन में रख देना है। रख देने के बाद गाइस इसे ओके कर देना है और आपको करना है इसी वीडियो की लेयर में क्लिक करके आपको यहाँ पे कॉमा की का एक ऑप्शन मिलेगा, उसमें क्लिक करना है। क्लिक कर देने के बाद गाइस आपको इसको इनेबल कर देना है और यहाँ पे की कलर आपको ग्रीन कलर सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद गाइस इसको यहाँ पे एडजस्ट कर देना है अपने हिसाब से और यहाँ से ओके कर देना है। ओके कर देने के बाद गाइस हमारा इतना बन चुका है। अब आपको करना है इसी लेयर के ऑप्शन में क्लिक करके मीडिया के ऑप्शन में क्लिक करना है और डाउनलोड में आके इस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद गाइस यहाँ पे आपको फुल स्क्रीन का एक ऑप्शन मिलेगा, इसमें क्लिक करना है और यहाँ पे इसको फुल स्क्रीन में रख देना है और यहाँ से ओके कर देना है। ओके कर देने के बाद गाइस हमारी वीडियो इतनी बन के तैयार हो चुकी है। अब आपको करना है इसी जो हमने स्वीट लव वाली पीएनजी सेलेक्ट करी है, इसमें क्लिक करना है और आपको नीचे आना है और यहाँ पे ब्लेंडिंग के ऑप्शन में क्लिक करके आपको स्क्रीन में रख देना है। स्क्रीन में रख देने के बाद गाइस वीडियो हमारी इतनी बन के तैयार हो चुकी है। अब आपको करना है यहाँ पे इसको एक्सपोर्ट कर लेना है। वीडियो हमारी एक्सपोर्ट हो चुकी है। अब आपको करना है गाइस बैक जाना है। बैक जाने के बाद गाइस आपको फिर बैक जाना है, यहाँ पे प्लस के आइकन में क्लिक करके 1:1 रेशियो फिर से सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद गाइस मीडिया के ऑप्शन में क्लिक करना है और यहाँ पे अपनी एक फोटो सेलेक्ट कर लेनी है। फोटो सेलेक्ट करने के बाद गाइस आपको स्टार्टिंग में आना है और फोटो की लेयर में क्लिक करके यहाँ पे प्ले जूम का एक ऑप्शन मिलेगा, इसमें क्लिक करना है और इसे इक्वल टू में रख के आपको इस तरीके से यहाँ पे जूम कर लेनी है। जूम कर देने के बाद गाइस यहाँ से ओके कर देना है और इसकी लेयर को 30 सेकंड तक बढ़ा देना है और यहाँ से ओके कर देना है। ओके कर देने के बाद गाइस आपको स्टार्टिंग में आना है और लेयर के ऑप्शन में क्लिक करके मीडिया के ऑप्शन में क्लिक करना है और आपने जो अभी वीडियो एक्सपोर्ट करी उस वीडियो को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। वीडियो सेलेक्ट होने के बाद गाइस आपको इसको फुल स्क्रीन में रख देना है और इसे यहाँ से ओके कर देना है। ओके कर देने के बाद गाइस जो आपने वीडियो भी एक्सपोर्ट करी इसकी लेयर में क्लिक करना है और कॉमा की में आके आपको एक कॉमा की इनेबल कर देना है और यहाँ पे जाके आपको ब्लू कलर सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ से ओके कर देना है। ओके कर देने के बाद गाइस आपको इस तरीके से यहाँ पे एडजस्ट कर लेना है और इसे यहाँ से ओके कर देना है। ओके कर देने के बाद गाइस हमारी वीडियो इतनी तैयार हो चुकी है। अब आपको लेयर के ऑप्शन में क्लिक करके मीडिया के ऑप्शन में क्लिक करना है और डाउनलोड में आके इस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। वीडियो सेलेक्ट करने के बाद गाइस आपको ये करना है इस तरीके से इसको यहाँ पे जूम कर लेना है और यहाँ से ओके कर देना है। ओके कर देने के बाद गाइस वीडियो के लेयर में क्लिक करके आपको नीचे आना है और ब्लेंडिंग के ऑप्शन में क्लिक करके इसको स्क्रीन में रख देना है। स्क्रीन में रख देने के बाद गाइस यहाँ से ओके कर देना है और हमारी वीडियो यहाँ पे बन के तैयार हो चुकी है। मैं आपको एक बार चला के दिखा देता हूँ। इस वीडियो हमारी बनके तैयार हो चुकी है। अब आपको करना है शेयर के ऑप्शन में क्लिक करके यहाँ पे इसको फुल HD में एक्सपोर्ट कर देना है। सो गाइस, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो कर दिए एक लाइक और कोई चैनल पे नया है तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को दे सब्सक्राइब। ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।